दोस्तों नमस्कार। कभी कभी जानकारी के अभाव में कस्टमर गलत मैकेनिक के पास फंस जाता है और कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उसमें उठाना पड़ता है। तो ऐसा ही एक केस आज हमारे पास आया है वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग का। तो हमारे पास जो बैठे हुए हैं कस्टमर, इनका नाम है हितेश। तो एक बार इनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या क्या इन्होंने कराया है, कितना इनका खर्चा लगा है। तो हाँ जी, क्या हुआ आपके मशीन में भैया? ये है ना, गियर बॉक्स है ना इसका, हाँ ये फ्री हो गया था। गियर बॉक्स नहीं, वो मतलब जो अंदर घूमता है पल्सेटर। पल्सेटर, अच्छा। तो हमारे पड़ोस में मैकेनिक था, अच्छा, हमने उसको दिखाया था, ठीक है। वो बोल रहा था कि इसका गियर बॉक्स फ्री हो गया। अच्छा, ये इसका पुराना वाला गियर बॉक्स है? हाँ, ये पुराना वाला। तो ये गियर बॉक्स तो वैसे तो बिल्कुल ठीक है, ये तो गियर बॉक्स तो आपका नया गियर बॉक्स इसमें डाल दिया। हाँ, फिर भी नहीं चली, ये 6-7 दिन चली थी, फिर फ्री हो गई, फिर दोबारा से फ्री हो गई। हाँ जी, तो इसका पल्सेटर फ्री होगा, इसका हो सकता है पल्सेटर ही खराब होगा। तो दोस्तों इसका गियर बॉक्स रिप्लेस कर दिया है मैकेनिक ने, बाकी ये जो गियर बॉक्स है इसका बिल्कुल ठीक है। तो आज की वीडियो में इस मशीन को हम चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है मेन, जिसकी वजह से ये दोबारा से फ्री हुई है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, वीडियो को लाइक अभी से कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं हूँ आपका दोस्त भरत जांगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं मशीन की टेस्टिंग। तो सबसे पहले तो आपका ये जो पल्सेटर है इसको देख लेते हैं। तो हितेश भाई, इसका कैप भी नहीं है पल्सेटर का, और पल्सेटर तो पूरा फ्री हो रखा है बिल्कुल, गियर बॉक्स तो घूम ही नहीं रहा है। कैप कहाँ गया इसका? कैप तो है ही नहीं भैया, इसमें पहले था लेकिन ये ठीक करवाने के बाद मैंने तो आज देखी थी ये बहुत दिनों में। चलो कोई नहीं, कैप का भी देख लेंगे, बाकी देखते हैं एक बार पल्सेटर को बाहर निकाल लेते हैं। तो भाई पल्सेटर बिल्कुल फ्री हो रखा है इसका। तो भाई हितेश, तुम्हारा तो सिर्फ है ना पल्सेटर का ग्रुप है वो कटा हुआ था, बाकी गियर बॉक्स तो आपका खामा खा ही मतलब रिप्लेस किया है। गियर बॉक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गियर बॉक्स तो आपका ये भी बिल्कुल ठीक है, गियर बॉक्स तो हम यही लगा देंगे आपका। अच्छा, बाकी इसके पल्सेटर है जो ये वाला, ये नया लेना पड़ेगा, तो पल्सेटर ही आपका डलेगा, उसके बाद ये बिल्कुल ओके चल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका पल्सेटर मालूम कर लेता हूँ, बाकी इसका पल्सेटर जल्दी से मिलता नहीं है। ये जो साइज है बहुत ही एंटिक है गोदरेज का, तो उसमें वैसे आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, इसका भी हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो आपको करके ही देंगे यदि आप वीडियो देखकर आए हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं मार्केट और इसके पल्सेटर का मालूम करते हैं, सर्विस सेंटर पर या फिर मार्केट में मिल जाता है तो पल्सेटर इसका हम चेंज कर देंगे। तो चलते हैं मार्केट और पता करते हैं। दोस्तों मार्केट की सभी दुकानों पर इस पल्सेटर का पता कर लिया है, बाकी ये पल्सेटर किसी के पास नहीं मिल रहा है, सर्विस सेंटर के ऊपर भी ये स्टॉक में नहीं है। तो इसको हमें वापस तो लगाना पड़ेगा और कुछ सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये जो बूस है देख पा रहे हैं आप, ये बूस तो यहाँ मार्केट में स्पेयर से हमने परचेज कर लिया है। तो गियर बॉक्स के अंदर तो बिल्कुल सेट आ रहा है, पल्सेटर के अंदर जो पुराना बुश लगा हुआ है उसको हमें लेथ मशीन के ऊपर कट करवा के निकलवाना पड़ेगा, उसके लिए मोंटू भैया के पास हमको चलना पड़ेगा। तो अब चलते हैं उनकी शॉप पर और इसका जो बुश है उसको निकलवा लेते हैं। चलते हैं मोंटू भैया की शॉप पर। अब हम आ चुके हैं मोंटू भैया की शॉप पर, इनके पास। तो मोंटू भैया, ये है जो पल्सेटर है मिल नहीं रहा है, इसका ये जो बुश है तो ये आपको निकालना है यहाँ से, इसको कट कर देना, ये वाला जो बुश है इसमें फिक्स करना है। तो ये है हमारे मोंटू भैया, तो इनकी ही हमें ज़रूरत पड़ती है लास्ट में जब भी अटक जाते हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन ज़रूर कर देंगे। तो भैया ये वाला बुश लो, इसके अंदर इसको फिक्स करना है। जी बिल्कुल। तो भैया तो पहले ही समझ चुके थे, इन्होंने पल्सेटर को मशीन के ऊपर लगा कर फिक्स कर दिया है। दोस्तों इस बुश को और किसी तरीके से तो हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जब पल्सेटर की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसी टाइम इस बुश को इसके अंदर फिक्स लगा दिया जाता है बिल्कुल। जैसे कि हमारा LG वगैरह के पल्सेटर में होता है, वो तो हम ठोक कर रिप्लेस कर देते हैं, नया बुश मिल जाता है अलग से। इस बुश को तो हमें काट कर ही निकलवाना पड़ेगा, इससे पल्सेटर भी डैमेज नहीं होगा, इसके लिए तो यही तरीका बेस्ट है। भारत जी, हाँ जी, कॉलर भी बैठा दिया इसकी, ठीक है, और इसको अंदर से बोर भी कर दिया है, ठीक है, और हल्का हल्का चीजल कर लेना इसको। हाँ, इसके ग्रुप निकाल लेंगे इसके अंदर से, बैठ जाएंगे, ठोक लेना इसको, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोंटू भैया ने हमारा काम काफ़ी इजी कर दिया है, इसमें सिर्फ अब हमको ग्रुप निकाल के बुश को फिक्स करना है। तो इन्होंने देखिए यहाँ पर बोर पूरा कट कर दिया है, एल्युमिनियम का पूरा जो बुश था निकाल दिया है। तो मोंटू भैया के वर्क के लिए एक बार लाइक जरूर करें, लाइक करें इनकी वीडियो और सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो। जय हिंद। अब चलते हैं शॉप पर और उसके बाद में इसको हम
उसको फिक्स करेंगे पल्सेटर के अंदर। इस पल्सेटर के अंदर ग्रुप कैसे बनाने हैं और इस बुश को इसके अंदर फिक्स कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।